हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिल बहेती। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ARC सस्पेंशन के बारे में। दोस्तों, सस्पेंशन, गाड़ी का सस्पेंशन, एज अ ड्राइवर जब हम गाड़ी ड्राइव करते हैं हम उसके बारे में नहीं सोचते। मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं सिर्फ ड्राइव करता था, मुझे नहीं मालूम चलता कि पीछे वाला इंसान कैसा महसूस करता है। पर एक बार नौबत आ गई मुझे पीछे बैठने की, और जब मैं पीछे बैठा मैंने फील किया कि यार पेट के अंदर बहुत गड़बड़ हो रही है। वो गड़बड़ कैसे हो रही है, इस पर जब थोड़ा सा सोचना शुरू किया, थोड़ा डिस्कस करना शुरू किया, मालूम चला कि सस्पेंशन इतना सॉफ्ट है कि गाड़ी सीधा जंप करती है पीछे। पीछे बैठने वाले शायद कभी मुझे कह नहीं पाए, क्योंकि उन्हें भी नहीं मालूम चल रहा था कि ऐसा ही होता होगा। लेकिन जब मैंने ये चीज़ ARC सस्पेंशन के ओनर दीपक जी के साथ डिस्कस की, उन्होंने गाड़ी को चेक किया और मालूम चला कि जो सॉफ्टनेस है वो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। हमने उसके बाद ARC सस्पेंशन लगाया, और उसके बाद जब मैं ड्राइव कर रहा था, जब पीछे बैठने वालों को पूछना शुरू किया कि अब कैसा महसूस हो रहा है, तब मालूम चला कि नाउ दे आर मोर कंफर्टेबल। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे ही झटके और पेट के अंदर हलचल होती है पीछे बैठने के बाद, गो फॉर ARC सस्पेंशन। थैंक यू।